एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन बाउंड्री बॉक्स बाउंड्री बॉक्स एंड यू आर एक्चुअली आइडेंटिफाइंग आर डिटरमिनिंग इट्स एनर्जी ओके वी हैव वन पार्टिकल वी हैव वन पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स और उस के जो एजिस हैं वहाँ पे चूँकि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट होती है इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस दैट एज और दैट बाउंड्री सो द वेव फंक्शन आउटसाइड द बॉक्स इज जीरो और इधर साइड ओके Whereas wave function inside the box has some values, some interpretation. The wave function inside the box along x axis is 2 over L sine of n pi x over L. This n is the quantum number. Mean n is equal to 1, mean first shell. Quantum number, okay, principal quantum. L is the length of the box, okay. In some cases, it might be a, okay, the length along x-axis will be presented with the letter small a, okay. And the operator here in this case is Hamiltonian as I said it is composed of kinetic energy plus potential energy for this particular case the potential energy is zero so the whole Hamiltonian will be only the kinetic energy operator because you are dealing with only one axis Let's say x-axis, this operator will be minus a cut over 2m okay for x-axis minus a cut over 2m calculate x square this is your Hamiltonian now you will have to write the Schrodinger equation for one particle moving in one dimensional box as I said earlier if you have an operator say Hamiltonian operator when it applies on this wave function the function will be regenerated with some values some constant values that are called eigenvalue that eigenvalue is actually the energy for that electron whose wave function is this okay well this will become the energy because you are applying only the Hamiltonian operator that is the energy operator and in this particular case this energy is purely the kinetic energy theek hai ab aap correct we have minus h square over 2m plus over 3 x square wave function hai 2 over a sin of n pi x over a okay अब आपको पता है कि ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है और ये ऑपरेटर है डिफरेंशियल ऑपरेटर है यू हैव टू ऑपरेट इट ट्वाइस ओके आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे एफ वन एफ प्राइम निकलेंगे क्या होगा इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा टू ओवर a अंडर रूट ये तो एज इट रहेगा कॉन्स्टेंट है अब इसका क्या होगा कॉस ऑफ एन पाई एक्स ओवर ए ठीक है और देन अगेन डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ एन पाई ओवर ए एक्स ऐसा ही है ना ठीक है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ये आपके पास आ जाएगा एन पाई a 2 over a under root cos of n pi x over a
ये आपका फर्स्ट मिनट, ठीक है बेटा, यही आता है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, उसके लिए ये चीज कांस्टेंट हो जाएगी, आप सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ एन पाई एक्स ओवर ए। ओके, जब इस पार्ट को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या आएगा, एन पाई ओवर ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर टू ओवर ए अंडर रूट। ओके, ये सेकंड है। अब ये वैल्यू बेटा यहाँ से उठाएं, ठीक है, और यहाँ पुट करें इसमें, ठीक है, तो देखते हैं ये क्या होता है, माइनस एच पर स्क्वायर ओवर टू एम। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करें, ये क्या है, माइनस एम स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर टू ओवर ए अंडर रूट साइन ऑफ एन पाई एक्स ओवर ए। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसको, अब यूँ देख सकते हैं, माइनस माइनस स्क्वायर और प्लस, एच पर स्क्वायर एम स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर टू एम ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ओवर ए अंडर रूट साइन ऑफ एन पाई एक्स ओवर ए। ये क्या है, दिस इज योर वेव फंक्शन। ओके, और ये क्या है, आपके पास वो कांस्टेंट वैल्यू आइगन वैल्यू, दैट इज इक्वल टू ई, ई विच इज इक्वल टू एच का स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर टू एम ए स्क्वायर। अगर आप तो कुछ और वैल्यू निकालती एन स्क्वायर एच स्क्वायर निकालती, अब हमें पता है कि एच का जो होता है दैट इज इक्वल टू एच ओवर टू पाई, ठीक है, एच का स्क्वायर किस के ऊपर हो, फोर पाई स्क्वायर। अब एच का स्क्वायर निकालते हैं, फोर स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर पाई स्क्वायर टू एम ए होगा कैंसिल, ठीक है, एम स्क्वायर एम स्क्वायर ए एम ए स्क्वायर। वहां पर मैंने लिखा था एल स्क्वायर, तो मैंने कहा था अगर एल लेंथ है वो अगर ए हो जाए तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखिए वो सारे श्रोडिंगर इक्वेशन आपने ली, वेव फंक्शन आपको बता दिया, ऑपरेटर भी बता दिया, आपने वो अप्लाई किया, एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन आ गया आपके पास। वो जो हमने कल मैंने कहा था कि आप डिटेल में ना जाइएगा, वो मैं खुद करवाना चाह रहा था, तो अब आपको समझ आ गया कि ये ऑपरेटर क्या काम करता है बेसिकली, ठीक है, आपको वही एनर्जी मिल गई ना। तो दिस इज योर एनर्जी फॉर वन पार्टिकल इन वन डी बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स, मीन किसे अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, अब मैं इसको ये करता हूँ, अब ये जो था वेव फंक्शन, जब आपका पार्टिकल 1D में घूम रहा है, अगर पार्टिकल 2D में घूमे ये वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, इसको टू टाइम्स आप लिखना, यहाँ पे लिखना साइन एक्स वाई, ठीक है, क्या होगा, टू ओवर ए साइन ऑफ एन एक्स पाई एक्स ओवर ए, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलाउंग मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी पहले आपने सिर्फ ये एक्स एक्सिस का पड़ा था, है? अब मैं साथ में वाई एक्सिस, इसकी लेंथ को मैं ए कह देता हूँ, इसकी लेंथ को बी कह देता हूँ। तो बेटा ये एक्स का पार्ट हो गया, दूसरा क्या हो, टू ओवर बी है साइन ऑफ एन वाई पाई वाई ओवर बी, ठीक हो गया। अब अगर ये आपका यू आ जाता है थ्री डी में जी एक्स, इसको मैं सी कह देता हूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ, अब इसके साथ आपने यहां पे क्या लिखा है, एक्स वाई
सी ठीक है। अच्छा सब टाइम ना वो यहाँ पे एक्स एक्स ही लिख लेता है, यहाँ पे भी एक्स वगैरह नीचे चेंज कर लेता है, क्योंकि वो सर्कमफेरेंस उस वेव का एक जैसे ही रहता है। ठीक है, तो उसका भी वो हो जाता है सब टाइम, तो उससे भी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो ये वेव फंक्शन देखिए, आप एक लिया, दूसरा लिया, थर्ड लिया, अगर आप इस पर भी आप वो ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, इसके लिए जो ऑपरेटर होगा ना वो अब आप 2D वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। 1D वाला ऑपरेटर क्या था, वो आपके पास था अगर एच ऑपरेटर 1D में करते हैं तो माइनस एच का स्क्वायर ओवर 2m कर्ली ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर। अब अगर आप 2D में करते हैं तो माइनस एच का स्क्वायर ओवर 2m कर्ली ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली ओवर कर्ली वाई। ठीक है ऑपरेटर। और अगर आप 3D में करना चाह रहे हैं आप सॉल्व कर ली, अब 1D भी हो गया, 2D भी हो गया, 3D कर गया, ऑपरेटर लिखने जो भी हो गए उसी तरह आपको सॉल्व करना है। और जब आपने 1D को सॉल्व किया था उस वक्त जब 1D में आपने फर्स्ट ऑपरेटर फॉर 1D है 2D 3D मार्च, और जब 1D के लिए अप्लाई किया था तो आपके पास एक्स वैल्यू आई थी ना, क्या थी वो एम एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और ए एम ए स्क्वायर। जब ई एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे वो क्या हो जाएगी, एम एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और एट एम ए स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर ए स्क्वायर एट एम बी स्क्वायर। ठीक है, ई एक्स वाई जी एम एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर एट एम ए स्क्वायर एन वाई स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर एट एम, वहाँ पहले तो दी ली थी ना, और यहाँ पे क्या लिया था ए स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर एट एम सी स्क्वायर। ये इसी तरह अब ये वन पार्टिकल वन डी बॉक्स है उसकी एनर्जी ये होगी, वन पार्टिकल इन 2D बॉक्स उसकी एनर्जी ये होगी, वन पार्टिकल इन 3D बॉक्स उसकी एनर्जी ये। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बड़ा अच्छा आपको मिलेगा, ये h और a m ये कांस्टेंट है, सॉरी ये कांस्टेंट आ रहा है, इसको आप लोग लिख सकते हैं h और a m यहाँ पे लिखें m x स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस m y स्क्वायर और और इस तरह। इसको भी आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर ओवर ए एम एम एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एम वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। आ जी, अब लेंथ आपको गिवन हो सकती है, अगर ये कह दिया जाए कि भाई अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस जो लेंथ्स हैं वो इक्वल है। ठीक है, मेन कि ए जो है वो बी के इक्वल है और बी जो है वो सी के इक्वल है, अगर ये कह दिया जाए। ठीक है, मेन के सब की लेंथ जो है वो इक्वल हो गई है तो उस बॉक्स को क्या बोलेंगे, क्यूब। क्या बोलेंगे, क्यूब। अगर एक क्वेश्चन आपको आ जाता है कि राइट ऑफ द एनर्जी फॉर वन पार्टिकल मूविंग इन अ क्यूब, तो आप यही वहाँ पे सिर्फ एनर्जी आप ये कह देंगे कि उसकी साइज जो है वो फिक्स है। ठीक है, अगर रेक्टेंगल का आ जाए तो उसमें ए और बी दो साइज होती है तो वो ये वाली हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं कि रेक्टेंगल में ए बी और कोई एक लेंथ जो है वो चेंज कर दें। ठीक है, तो
हर सिस्टम में अगर आप एक थोड़ी सी भी एनर्जी ये लेंथ चेंज कर देते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आल्टोगेदर चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर फर्स्ट करेंगे इक्वल होती है तो मैं इसको कह देता, इसको मैं फिर यूं लिखता हूं, ए स्क्वायर लिख देता हूं, इक्वल जो है, है ना। तो ए अगर बी सी इक्वल है तो वे सारी लाइनें इक्वल होते हैं, ये फिर यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके पास एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जी स्क्वायर, और ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब ये प्रिंसिपल, अब आपको देखो एनर्जी निकालना आ गया है, ऑपरेटर अप्लाई करना, ठीक है। यही अगर ये भी कॉन्सेप्ट आपको आ जाए तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि इस इंट्रोडक्टरी लेवल के कोर्स में। अच्छा, इस तरह अब एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, ये तो आपने निकाल दिया, ये एनर्जी है, ठीक है, एक्स वाई वी। इसी तरह आपने ये देखे कि एक्स बता वो क्या था, ऐसे है, यस। अच्छा, आप अगर आप एन की वैल्यू मान रखते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है जो एग्जांपल भी करवाई थी टू से वन पे जा रहा है, ठीक है, ये है ना उसके लेवल, ये लेवल वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये एन इज इक्वल टू वन होगा, यहाँ पे टू, हियर थ्री एंड हियर इज फोर, ओके। अब आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, वो उसने नीचे आया, वो एनर्जी इमिट करेगा, अब वो कितनी एनर्जी इमिट करेगा, तो वो आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं अगर आपको ए की वैल्यू गिवन हो, अगर ना भी गिवन हो तो फिर भी आप कर सकते हैं। आप कैसे, ये एच की कांस्टेंट एंड एम ए स्क्वायर की कांस्टेंट, ए की कांस्टेंट होगा वैल्यू, ठीक है। पीछे क्या बन गया, एन एक्स हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, लोअर हायर कौन सी वैल्यू है, आप एन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स स्क्वायर, ये अगर लेवल टू है और ये लेवल वन है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ओवर एट एम ए स्क्वायर, ये टू है माइनस वन, कितना आ गया, थ्री, है थ्री ए स्क्वायर ओवर एट एम ए स्क्वायर। अब एच भी पता है आपको, एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेंथ आपको बॉक्स की गिवन होगी, तो आप फाइंड कर सकते हैं कि हाउ मच एनर्जी दैट इलेक्ट्रॉन विल एमिट टू कम डाउन, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपके पास ये चीज़ है तो वन टू थ्री, तो फिर इनका एक वेव फंक्शन बनता है। अब ये जो एन की वैल्यू वन होती है तो उसका अगर वेव फंक्शन बनाया जाए तो वो कुछ यू बनता है, एन की वैल्यू जब वन होती है, ठीक है, सेम लेंथ में अगर ए है, और अगर सेम लेंथ हो, सेम लेंथ में अगर एन की वैल्यू टू हो तो ये फंक्शन कुछ इस तरह बनता है, ठीक है। अगर इसकी एन की वैल्यू थ्री हो तो ये फंक्शन कुछ इस तरह बनता है, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ नोड्स। नोड्स क्या होते हैं, जहाँ पे वेव फंक्शन जीरो हो जाता है, वो पॉइंट जहाँ पे वेव फंक्शन जीरो हो जाता है उसको कहते हैं नोड, एंड पॉइंट से हट के। बस ये जब जितनी यानी की वैल्यू होगी ना उससे वन लेस नोड होगा, ठीक है। मतलब एन की वैल्यू वन है तो उसका नोड जीरो होगा, मेन केस का वेव फंक्शन इनसाइड द बॉक्स कहीं के भी जीरो नहीं है। जब एन की वैल्यू टू है तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर उसका नोड आया, एक लेस होगा। जब थ्री होगा तो टू होने चाहिए ना, तो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अगर एन की वैल्यू फोर होती इसी लेंथ में तो फिर ये क्या बनता, आप यू कर दो वन टू थ्री, पहले लगा दो नोड्स। अब इसको शुरू कर लें, ठीक है, वन टू थ्री, एन की वैल्यू जब थ्री होती तो ये कुछ इस तरह की वैल्यू होती। अब आप बना सकते हैं ना, अब इसी सेम लेंथ में जब एन की वैल्यू सिक्स होगी तो नोड्स कितने होने चाहिए बेटा, फाइव, वो पहले लगा दें वन
1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, आप नंबर से शुरू कर रहे हैं। ये अब मैंने कहा था कि ये सिंपल जो होता है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अल समझे कि आप इसका स्क्वायर लेते हैं। जब स्क्वायर लेते हैं तो यही चीज, जब स्क्वायर में आप ये दोबारा लिख लूँगी जो ग्रीन येलो होगा ब्लू होगा ना वो स्क्वायर को शो करेंगे, ठीक है, जब मैं इसको ब्लू लिखता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ यूं बन जाएगा थोड़ा सा हाई। अब इस केस में क्या होगा, नोड एक ही रहेगा मगर ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसे स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाला नेगेटिव पार्ट है वो भी ऊपर पॉजिटिव, जब इसको लिखेंगे ये ऐसे इनके नोड से टू ही रहेंगे, जब इसको लिखेंगे इसको मैं आप जानको कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। इसको आप यू ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे। अच्छा आप एक चीज देखिएगा, सेंटर अगर ये देखें तो ये ओवरऑल सेंटर ही है, क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में। अब क्वांटम जो बड़ा स्पोर्ट में बताने लगा कि जो जो आप हायर क्वांटम नंबर की तरफ मूव करते जा रहे हैं तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सेंटर में है, इधर उधर कम है। मगर क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि जब ये बॉक्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन या कोई चीज़ है तो हम कहते हैं कि उसके हर जगह प्रेजेंट होने के चांसेस इक्वल है ना। मगर क्वांटम में ये चीज़ कही कि नहीं भाई अगर है तो वो सेंटर में ज़्यादा, मगर यहाँ देखिए सेंटर में नहीं है, इधर उधर भी चांसेस हैं, यहाँ पर देखिए और चांसेस बढ़ गए, यहाँ पे देखिए और चांसेस बढ़ गए और यहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें होगी। तो उसका क्या मतलब है कि जो जो कंपाउंड नंबर इंक्रीज कर रहे हैं आप उसकी क्लासिकल इंटरप्रिटेशन की तरफ जा रहे हैं, है ना, पॉइंट समझ आया ना। मैंने कि क्लासिकल में क्या था कि वो हर जगह मौजूद हो सकते हैं, क्वांटम में कहा नहीं कि वो उसके चांसेस हो सकते हैं मगर यहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। वन केस में जब नंबर आपने इंक्रीज किया क्वांटम नंबर तो चांसेस इस सेंटर के अलावा इधर इधर भी आ गए, सेंटर पे कम रह गए, है ना। फिर क्या हुआ, फिर इधर उधर भी आ गए, सेंटर से भी कुछ आ गई प्रोबेबिलिटी। तो जब आप एल की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो हो सकता है कि इसी रेंज में एक पॉइंट ऐसा आए कि ये आप यूं समझ लो हो सकता है, जब एल की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर तो प्रोबेबिलिटी आगे कब होगी। अब तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी मतलब इस केस में सिर्फ यहाँ पे थी, ठीक है। तो वो जब आप हाई क्वांटम नंबर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स से क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ मूव करते हैं, तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ करस्पोंडेंस प्रिंसिपल। करस्पोंडेंस प्रिंसिपल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ख्याल इससे आपको मतलब कि ये बड़ी खूबसूरती से बात होगी हमारी कि कैसे आपको पता चला कि वो हम मूव कर सकते हैं, ठीक होगी बात जी बेटर है। ये पॉइंट समझ आया, आ गया ओके। अब लास्ट पॉइंट होता है, ये हमारा लास्ट लेक्चर का अब आपने नतीज तो निकाला। यहाँ पे ये होता है कि आप कंसेप्ट पढ़ते हैं डीजनरेसी का, पढ़ते हैं डीजनरेसी क्या होते हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो सेम है, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट वो कब डीजनरेट होंगे, जब उनकी एनर्जी सेम होगी, ठीक है। हम कहते हैं कि जी जनरेट कर दिया हमने, है हमने कहा कि जी हमने ये डस्टर बनाया, अब अगर इसको दोबारा बनाना चाह रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि यही शेप सब कुछ यही रहे, दैट विल बी कॉल्ड डी, है
से या री जनरेशन उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं कि डी जनरेट मीन के ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रही। अब सेम एनर्जी कब होगी, जब डिफरेंट लेवल्स होंगे। अगर उनकी एनर्जी सेम है तो फिर आप बात करेंगे। तो वन पार्टिकल इन वन डी बॉक्स में डी जनरेसी नहीं होती, वो तो एन की वैल्यू या वन होगी या टू होगी, डिस्क्रीट लेनी है ना अपनी वैल्यू, या वन होगी या टू होगी या थ्री होगी। जब वन पार्टिकल इन टू डी बॉक्स होता है या थ्री डी बॉक्स होता है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट डी जनरेसी का आता है। वो कैसे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए रिलेट करता है एनर्जी के साथ, तो आपने एनर्जी का एक्सप्रेशन ही लिखना है। वन डी में नहीं होगा, वन डी में आपने देखा वन की है तो वन स्क्वायर लिखेंगे, टू है तो टू स्क्वायर फोर लिखेंगे, हैं या फिर डिफरेंट है। मैं लिखता हूँ ई एक्स वाई ए स्क्वायर और एट एम ए स्क्वायर, अगर लग सेम है यहाँ पे क्या हो जाएगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर। अब आपने ई की वैल्यू सेम निकाली, एन एक्स क्या है, ये आपका पार्टिकल है, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है और ये कोई लेवल है ना, ये डिफरेंट लेवल है। एन की वैल्यू एन एक्स भी चेंज हो सकता है कि एन एक्स सेकेंड शेल में हो, एन वाई फर्स्ट शेल में हो, या दोनों एक शेल में हो। है जब दोनों एक ही शेल में होंगे तो क्या होगा, एन एक्स की भी वैल्यू वन होगी और एन वाई की वैल्यू भी वन होगी, ठीक है ना, इसका मतलब है एक शेल। अब जब एन एक्स की वैल्यू वन हो और एन वाई की वैल्यू टू हो, उस वक्त की एनर्जी जो आएगी वो एनर्जी, और जब आपके पास एन एक्स की वैल्यू टू हो और एन वाई की वैल्यू वन हो, तो ये एनर्जी दोनों इक्वल नहीं होगी। पर समझ आए नहीं आया, मीन कैसे कि जब आप वन वन रखते हैं, एन एक्स की वैल्यू भी वन एन वाई की वैल्यू भी वन, तो ये वन वन ये वैल्यू आ जाएगी ई वन वन, ये आ जाएगी क्या आ जाएगी टू ए स्क्वायर ओवर एट एम स्क्वायर, ऐसे ही होता है। अब आप कह रहे हैं ई वन टू मीन एक्स एक्सिस में वन शेल और वाई एक्सिस में टू टू शेल, तो इसकी नतीजे क्या आ जाएगी फाइव एट स्क्वायर ओवर एट एम स्क्वायर। ये फाइव कहाँ से आता है सर, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर इलेक्ट्रॉन टू वन में है, मीन कि एक्स टू शेल में है और y के वन फर्स्ट शेल में है, तो फिर भी एनर्जी यही नहीं आएगी, ठीक है। जब एन एक्स भी टू हो और एन वाई भी टू हो, तो फिर एनर्जी क्या आएगी, ई टू टू एट एट। अब इनमें बताएं कि किस किस लेवल पे एनर्जी सेम है, सिर्फ इस पार्ट पे, ठीक है, तो ये भी जल्दी सीख रहे हैं। और वो लेवल जिस पे ये इकट्ठे होंगे तो उसको कहेंगे डीजनरेट लेवल, मीन कि हमें सेम एनर्जी। तो अगर एनर्जी लेवल ये वन वन है, एन की वैल्यू वन है और ये टू है, ठीक है, तो वन टू और टू वन के यहाँ एग्जिस्ट करेगा और उनकी एनर्जी सेम। हाँ जी, मजा आया। और इसी तरह हम ये जो पी एक्स और पी वाई और पी जी ऑर्बिटल बनते हैं, पढ़ोगे ना आप, उनकी एनर्जी सेम होती है, वो इसी लिहाज से निकालेंगे। अब अगर अब उसमें क्या था, पी एक्स पी वाई पी जी, अब अगर आप थ्री डी की एनर्जी लिखते हैं, इसी को मैं यहाँ यहीं पर लिखता हूँ, अब आपको वो भी समझ आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप प्लस एन जी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक पार्ट है, एन एक्स इज इक्वल टू एन वाई इज इक्वल टू एन जी और ये सारे फर्स्ट शेल में है, तो एनर्जी क्या आएगी थ्री ए स्क्वायर, ठीक है। अब वेरिएशन हो सकती है, एक्स वन हो सकता है, वाई टू टू हो सकते हैं, नहीं एक और कर लें, एक्स वन वाई वन जी टू हो सकता है, एक ऑप्शन। दूसरा ये टू हो सकता है, ये वन और ये वन हो सकता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, ये वन ये टू हो सकता है, ये वन वन हो सकता है, ठीक है, नतीजे सेम आएंगे, ठीक है ना।
इसी तरह अगर ये पी एक्स है, ये पी वाई मान लें, ये पी जी मान लें, तो दर्जी डिफरेंट आ गया सर, ये थ्री डिजिट। ओके देखिए, वन वन टू, ये भी फाइव स्क्वायर आएगा, नहीं सिक्स आएगा, ये भी सिक्स आएगा, ये भी सिक्स आएगा, है ना। उसके बाद फिर एक और ऑप्शन भी आता होगा कि हो सकता है कि पहला फर्स्ट में हो, बाकी दोनों टू टू में हो, ये टू में हो, ये फर्स्ट में हो, ऐसा हो सकता है, ये टू टू में हो, ये फर्स्ट में हो, तो इनकी गति भी कितनी होगी, फोर फोर एट और नाइन 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 नाइन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन फिर आपके पास यही है कि तीनों सेकंड में हो, ठीक है ना, नहीं नहीं तीनों सेकंड में हो, ये तो डिफरेंट हो जाएगी ना सबसे। अब अगर आप देखेंगे देखेंगे तो इसकी गति बनेगी, ये बाकी सारा वही रहेगा, और ये बन जाएगी सिक्स ए स्क्वायर ओवर एट एम ए स्क्वायर, ठीक है ना। इसकी क्या बनेगी सिक्स, इसकी भी सिक्स, इसकी क्या बनेगी नाइन, ये भी नाइन बनेगी, और इसकी क्या बनेगी ट्वेल्व, और ये ट्वेल्व तो बनेगी थ्री, है ना। अब अगर आप अपना डायग्राम बनाएंगे तो एन वन अगर थ्री ए है, उसके बाद ये सिक्स वाले तीनों आएंगे, हैं फिर नाइन वाले तीनों आएंगे, उसके बाद आप सेकंड स्टैंड में चले जाएंगे सारे। तो अब ये ऑर्बिटल इनकी गति सेम थी शेल में, तो ये डी जनरेट निकलाए, ये डी जनरेट निकलाए, ये डी जनरेट निकलाएगा, क्योंकि ये है ही एक। तो इस तरह हम 3D, 1D, 2D में सब में हम डी जनरेट निकाल सकते हैं, हम आपने ऑपरेटर अप्लाई किया वो भी कर सकते हैं, ठीक है, सब कुछ आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ये लिखा था माइनस टू टू एस टू टू डी सिक्स, हाँ ये कॉन्फिगरेशन है, तो ये भी किसी एनर्जी की बेस पे बनाई गई, कि जो लोअर एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रॉन सब से पहले जाके कहाँ पे बैठेगा, वहाँ पे थ्री डी में आता है, थ्री डी एक्स थ्री डी वाई थ्री डी।